आज के इस वीडियो में महाभारत के बारे में जानेंगे पांडवों से क्यों जलते थे पांचों पांडव बुद्धि से तेज शरीर से बली और मधुर स्वभाव के थे पांडवों के गुण सबको मोह लिया करते थे ये देखकर कौरव उनसे जलते थे कुरु राज्य का बंटवारा किस प्रकार हुआ कुरु राज्य के दो हिस्से किए गए कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ राजा लोगों के बीच कौन सा खेल खेलने का रिवाज था राजा लोगों के बीच चौंस खेलने का रिवाज था पांडवों का राज्य कैसे छिना और उन्हें क्या भोगना पड़ा चौंस के खेल में शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको तेरह वर्ष का वनवास भोगना पड़ा चौंस के खेल की क्या शर्त थी चौंस की शर्त ये थी कि बारह वर्ष के वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया जाएगा कौरव और पांडवों में युद्ध का क्या कारण था दुर्योधन ने पांडवों को राज्य लौटने से इनकार कर दिया था ये ही कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का कारण बना